सुबह का वक्त है, स्टे किया था हमने यहाँ पे, तकरीबन 2 से 2.5 घंटे की नींद ली है, बाइक से यहाँ खड़ी हैं। और बस अब ऐसा है कि यहाँ से पैकिंग की तैयारी है, तो वापसी जो है खुशदार के रास्ते मूला की तरफ बढ़ेंगे। कुछ जो चीज़ें ली थी उसमें से रात में तकिया और डॉक्टर नुसरत की दी हुई शॉल बड़ी काम आई, सर्दियाँ बढ़ गई थी, अब बस इसको दोबारा बैग में डालेंगे और पैड्स पहन के नाश्ता वगैरह करके यहाँ से निकल के फ्यूल डलवाएँगे। दैन फ्यूल के बाद सारे भाई हमारे अपनी मंजिल की जाने बढ़ेंगे। निकलने से पहले भाई नाश्ते का सुनो, का जो रास्ता था अब ये खुशदार यहाँ पे ख़त्म होता है, ये जाने वाला रास्ता है, और ये यहाँ से आगे हिटाची और सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी, हिटाची वैली कोहो, तो यहाँ से जो रास्ता है हिटाची और कोहो का शुरू है, ऑफ रोडिंग ये वाले रास्ते से स्टार्ट करेंगे। अभी प्याज और टमाटर लेने रुके हैं। ऑलमोस्ट आधा रास्ता हम लोगों ने तय कर लिया है मूला चुटुक का। काले बादल बारिश के इम्कान जैसे थे वो हैं, बट अभी यहाँ पे आगे जो ये पहाड़ है जहाँ पे ब्लैक हुआ है, ये है हमारा फाइनल डेस्टिनेशन। तो यहाँ से अभी निकलेंगे, आगे का सफ़र शुरू करेंगे। एक्सट्रीम ऑफ रोड के बाद थोड़ी देर बाइकों को रेस्ट दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारे क्रॉसिंग क्रॉस करने के बाद यहाँ पहुँच गए। अब इससे आगे इंशाल्लाह थोड़ा सा ही सफ़र है, जूता शॉर्ट हो गया है। अच्छा वो चप्पल रख ली थी, चप्पल पहन के जाएंगे आगे का सफ़र। भाई कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम ऑफ रोड के बाद हम लोग ओला छुटक पहुँच गए। ये पहाड़ियाँ हैं, वहाँ अंदर जाएंगे, अभी बाइक यहाँ पर पार्क होगी, सारा सामान निकालेंगे, कंधे को लाने। अल्लाह पाक का शुक्र भाई पहुंच गए, भाई के पार्क कर दिए हैं, ये भाई खड़े में इनकी गाड़ी खड़ी है, ये भी हमारे साथ ही कल निकलेंगे। तो आज की ये है खबर यहाँ की कि यहीं पे कैंप लगाएंगे
और अगर कैम के अलावा लीवीज वालों का क्वार्टर है, अगर वो जान पहचान निकल गई साके भाई करवा देंगे। बारिश के बहुत ज़्यादा इम्कान थे और तकरीबन 5 बज रहे हैं हम लोगों को फिर यहाँ पे कैंपिंग वगैरह के लिए। ये जो पहाड़ देख रहे हैं इससे अंदर जाना है जो पानी आ रहा है, तो तकरीबन 40 मिनट की वॉक है। बाइक ही नहीं जा सकती, 4x4 पर आप जा सकते हैं बट वो हमारे लिए अभी अवेलेबल नहीं है। और यहाँ लिवीस वाले जो भी एहलकार हैं वो भी ऑफ हैं, सिग्नल्स भी नहीं है बारिश की वजह से, कल रात को बारिश हुई है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो है अपना बाइकें वगैरह खड़ी की हैं और सब्ज़ी वगैरह सारी चीज़ें लेकर आए नीचे वॉश करने। रात का ये कि रात को यहाँ पे रुकेंगे, बॉन फायर कैंपिंग और ये वाले शशके ये सब करने, और फिर सुबह जो है सुबह सुबह हम यहाँ से जो बॉयज़ आए हुए अपनी गाड़ी लेके उनके साथ हाइलक्स टाइगर उनमें बैठ गए वहाँ निकलेंगे, वहाँ से फिर फारिग होंगे और 11 से 12 के दरमियान हमारा वापसी का इरादा है। और इन सब चीज़ों के दौरान भाई बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि सफ़र जो है वो आपको झंझोड़ दे, ख़ास तौर पे बाइक को इस तरह के रास्ते से वाटर क्रॉसिंग से लेकर आना। और इस तरह से हमें 5-6 मिली और ऐसी मिलेंगे, बस अल्लाह माफ़ करे। खैर अब आगे का ये है कि अभी लाइव खाने का सेटअप है, खापा शापा करेंगे और फिर रात का देखते हैं कि अगर कोई ताल्लुकात निकल गए तो यहाँ रिजॉर्ट में कमरा मिल जाएगा, देन नहीं मिले तो हम अपना कैंप जो लेकर आए वो लगाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, संडे का दिन है आज और तकरीबन सुबह के कोई 6:40 हो रहे हैं और रात को बारबेक्यू खाने के बाद हम लोगों ने अपने कैंप्स लगा लिए थे ये सामने और उसके बाद बाइक्स कर दी थी थोड़ी पीछे। अब ये है कि यहाँ से निकलेंगे, चाय शाय का सीन है, उसके बाद डायरेक्ट जाएंगे मूला ये पहाड़ियाँ क्रॉस करके, फिर वहाँ पे थोड़ा एंजॉय करके निकलेंगे, वापसी का सफ़र करेंगे। रास्ता बस जो हमारी आखिरी डेस्टिनेशन थी वो वहाँ पे हम पहुँचे हैं। अब यहाँ से हम थोड़ा एंजॉयमेंट वगैरह करके निकलेंगे और फिर जो है कोशिश है कि 12 बजे तक बाहर आ जाएं इस जगह से ताकि हम रात को 12 बजे तक कराची पहुँच जाएँ।
पहुंच गए मूला छुटुक। ये हमारा फाइनल स्पॉट है जो सामने नज़र आ रहा है। यहाँ कुछ रात को पार्क बेड्स वाले हमारे भाई आए हुए थे, उन्होंने कैंपिंग की भी अपनी। अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जो है हमारा आने का जो मकसद था वो अल्लाह पाक ने पूरा करा दिया। हम सब जितने भी लोग आए हैं 8-9 सब मालिक के करम से बहुत तरीके से बिना किसी नुकसान के, हल्की फुल्की चीज़ें हुई रास्ते में मगर यहाँ पहुँच गए। सारी चीज़ों की मेहनत हर चीज़ ये जगह है भाई। आप मेरे पीछे वाटरफॉल और सारी पहाड़ियाँ देख रहे हैं तो ये हमारा मूला छुटुक का मेन पहाड़ और ये इसके अंदर के वाटरफॉल की पूरी क्रॉसिंग। तो गरम चश्मे आबशार अल्लाह का करम है भाई, बहुत तरीके से पहुंच गए हैं। बहुत सारी चीज़ें तय करने के बाद अभी भी कोई तकरीबन 40 से 45 मिनट की हमारी बाय वॉक, जो हमारा वॉकिंग ट्रैक है वो हम करके यहाँ तक आए। अब सारा जो है इसके बाद का है सेटअप, इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर यहाँ से वापसी जाके कुछ खाने वाने का सेटअप करेंगे और फिर घर को निकलेंगे।
लोग बाहर आ गए और सीन ये है कि यहाँ से निकलेंगे, कोशिश करेंगे कि नाश्ते का टाइम बचाया हमने उसमें नाश्ता कर लें, और फिर ये है कि यहाँ से निकल के और पूरी कोशिश यही रहेगी कि दिन के उजाले में खुजार पहुँच जाए, क्योंकि ऑफ रोड जो है गांव वाले कहते हैं 3 घंटे, हमें तकरीबन 4 से 5 घंटे लगे बॉर्डर क्रॉसिंग की वजह से। अब रात के 12 बज जाएंगे घर पहुँचते पहुँचते, और ऐसा है कि बस ये हमारी मूला की फाइनल डेस्टिनेशन थी। बहुत मज़ा आया, वापसी का सफ़र और दुश्वारियाँ अपने साथ, सारे भाई यहाँ बैठे हैं कब्रिस्तान के अहाते में। यहाँ से खुजदार का रास्ता निकलता है, हम लोग चले गए थे और फिर ये हुआ कि वापसी आना पड़ गया, सारे भाइयों की बाइकों की ऐसी तैसी हो गई। मेरे तो कल से जूते नहीं हैं, अभी भी चप्पल में गीले पैंट के साथ ये जो है सामान अपना यहाँ रखा हुआ है। बस अब निकलने की करेंगे, पानी वानी पी रहे हैं गाँव वालों के साथ, फुल एंजॉयमेंट चल रही है कब्रिस्तान के बाहर। तकरीबन शाम के 5:30 हो रहे हैं और यहाँ रात में बारिश हुई है। खुजदार खटक या कह सकते हैं खरक वाला सॉरी जो रास्ता है वो इस तरफ जा रहा है। रात को कल यहाँ बारिश हुई है और इंतहा से ज़्यादा कीचड़ है, और तकरीबन GS वाले YBR वाले परेशान ही घूम रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कुछ मसला तो नहीं आया, हालत बहुत गंदी है बाइक की, पूरा कीचड़ उछल उछल के बाइक के आगे पीछे घूम रहा है। ये टेल टूट गई, टूट तो नहीं गई, खैर डीली हो गई थी, टूल्स नहीं है मेरे पास अभी, निकाल दी, इसकी वजह से पूरा इंजन जो फर्स्ट मसला आया था वही हो रहा है। खैर अभी तो यहाँ से निकालेंगे घर पहुँचना, पूरी ये बाइक गंदी, कपड़े चलने सब गंदा, बस ये कि यहाँ से निकलें फिर कुछ खाना वाना खाएँ।
बहुत अच्छा ज़रूरत थी। यहाँ रुके हैं मुर्शिद होटल पे, ये वही मुर्शिद हैं जिनको टिकटॉकर हमारे हर बार पुकारते हैं। तो यहाँ से बस अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, खाना शाना खाएंगे और फिर घर की तरफ निकलेंगे। वह अल्लाह पाक के करम और शुक्र के साथ 8:15 हजरे असवद होटल जहाँ हम लोग परसों रुके थे, सॉरी कल, तो वहाँ पे हमारा ये हुआ है कि वापसी आना हुआ है। रास्ते में चाय शाय का प्रोग्राम है, बस यहाँ से थोड़ा सा 1.5 घंटे का रेस्ट करके सामने से फ्यूल डलवाते हुए फिर कराची का नॉन स्टॉप सफ़र है 370 किलोमीटर का। फिर इंशाल्लाह घर होंगे, कोशिश यही है कि 12 तक पहुँच जाएँ, आगे अल्लाह मालिक है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। सुबह पहुंच गए थे घर, बाइक की कंडीशन कुछ ऐसी है। अच्छा माशाल्लाह दूसरी ट्रिप पे 1031 किलोमीटर जो है वो टोटल कराची टू कराची हमारा बना। अगर इसमें 4 और ऐड कर दें 1035 किलोमीटर टोटल बाइक चली है। और अल्लाह का करम है, ना कहीं बंद हुई ना कहीं इसने मसला किया। हाँ कीचड़ पानी बहुत हुआ, अब ये कि इसकी सर्विस कराएंगे, वॉश करवाएंगे इसको, अभी खड़ा कर देंगे कुछ टाइम तक के लिए। लाइटों ने बड़ा साथ दिया ही है। और ट्रिप के हवाले से और जो बकिया चीज़ है वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में, ताकि कोई ये जाना चाहे तो वो उन चीज़ों से और उन बातों से थोड़े से हेल्प लेता हुआ जाए। बस अब इसको वॉश कराएँगे इंशाल्लाह।